हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से लोग होते हैं जिन पर हनुमान जी का आशीर्वाद कभी नहीं बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, और हनुमान जी अपनी कृपा किन पर करते हैं ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो आप मेरी वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, पहले मैं आपको बता दूं। वो उस तरह के लोग हैं जिनमें कि शराब पीने वाले लोग, जो दिन निकलते ही शराब पीना शुरू कर देते हैं और रात को सोते वक्त भी शराब पिए होते हैं। ऐसे लोगों पे कभी भी हनुमान जी अपनी कृपा नहीं करते हैं, उन पर अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। जो लोग, जो लड़के होते हैं, जो गली मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं लड़कियों को परेशान करने के लिए, उन्हें छेड़ने के लिए, ऐसे लोगों से भी हनुमान जी हमेशा नाराज रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पराई औरतों पे मतलब नजर रखते हैं, उनसे गलत संबंध बनाते हैं, उनसे गलत व्यवहार करते हैं, तो कभी भी ऐसे लोगों पे हनुमान जी की कृपा नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं यही बता रहा हूं कि जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, उन पे हनुमान जी कभी भी करते हैं और हमेशा उनसे नाराज ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी हनुमान जी की कृपा चाहिए तो आपको ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी, अगर आप इनमें से कोई भी चीज करते हैं, और उनके जो भी नियम है उनका पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो बजरंगबली आप पे कृपा कर देंगे। इसलिए अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए तो आपके उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा सख्ती से। जी हाँ दोस्तों, उनके नियम जरूर हैं, लेकिन कोई ज्यादा ऐसी बात भी नहीं कि उनके नियमों को पालन ना कर सके। अगर आप उनके नियमों का पालन कर लें तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी किस्मत पल भर में ही बदल जाएगी। आपकी जो भी मतलब इच्छा है वो आपके हनुमान जी पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ मैं खुद अपने अनुभव से बताता हूं कि अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे तो वो आपकी जरूर इच्छा पूरी करेंगे, आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे, आपके सारे संकट दूर कर देंगे, आपके सारे बिगड़े काम सुधार देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हनुमान जी आप पे प्रसन्न हो जाए तो। लेकिन वही बात कि हनुमान जी को प्रसन्न करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं। मुश्किल सिर्फ इतना नहीं है कि कहने को हनुमान जी के जो नियम है उनका हर कोई पालन नहीं कर सकता वैसे, लेकिन अगर वो पालन कर ले तो फिर क्या कहना है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, मेरे पास खुद मेरे पर्सनल इतने अनुभव है मेरे लाइफ में कि मैं आपको अगर बताने लगूं ना तो आप भी इस बात को मान जाएंगे कि हाँ, हनुमान जी अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं अगर वो अपने भक्त से खुश हो जाए तो। जी हाँ, अगर आप कहेंगे प्लीज कमेंट में तो मैं जरूर अपने अनुभव की और वीडियो लेकर आऊंगा। जी हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई भी ऐसे मतलब ऐसी आदतें हैं जो मैंने बताई है, तो अगर वो हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो उन्हें इस आदतों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी उन पर हनुमान जी की कृपा नहीं बनेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो आपको ये सारी आदतें छोड़ के उनके नियमों का पालन करना होगा। और एक बार आप करके तो देखिए दोस्तों, मैं सही बता रही हूं, कोई बड़ी बात नहीं इन सब चीजों को छोड़ना। अगर आप मतलब ड्रिंक करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, और सबसे बड़ी बात यही कहूंगा मैं कि हनुमान जी ऐसे व्यक्ति से तो हमेशा दूरी बनाए रखते हैं जो शराब पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों से हनुमान जी हमेशा दूर रहते हैं। अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए तो सबसे पहले इन चीजों को तो जरूर छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, और दूसरी उसमें सबसे बड़ी बात है कि औरतों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना, उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। बस इतनी सी बात है, अगर आप इतनी सी बात कर लेना तो फिर देखिए हनुमान जी आप पे कैसे कृपा करते हैं। फिर आप उनकी मतलब दिल से पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए और फिर आप देखिए कि आपकी किस्मत कैसे पलटती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मतलब आसान है ये सब कुछ करना। अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में मतलब परेशान हो रहे हैं, हर चीज से दुखी हो रहे हैं, तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करके देखिए, उनके नियमों का पालन करके, और फिर देखिए आपके दुख कैसे दूर होते हैं झट से। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का ये अनुभव है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।